दोस्तों, जब हमारे देश में बात होती है टेक्नोलॉजी और साइंस की, जब हमारे देश में बात होती है इंजीनियरिंग की, तो दोस्तों सबसे पहला नाम आता है आईआईटी। आईआईटी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यदि जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आईआईटी टॉप में होता है। दोस्तों, एक नाम आता है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर की शुरुआत कैसे हुई थी, आज की वीडियो हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर के इतिहास के बारे में, उसकी नींव कैसे रखी गई, उसका इतिहास क्या रहा, उसकी कट ऑफ्स क्या जाती है, उसकी फ़ीस क्या है, और वहाँ के कौन कौन से लोग हैं जो टॉप एलुमनी हैं, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे सुंदर पिचाई की, जो गूगल के CEO हैं, जब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, या जब हम बात करें इसरो के एक्स चेयरमैन के राधाकृष्णन जी की, तो इन तीनों में भारतीय होने के साथ साथ एक और समानता है कि ये तीनों लोग आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं, आईआईटी खड़गपुर के एलुमनी हैं। दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के बाद 1951 में कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूर खड़गपुर में आईआईटी खड़गपुर की इसकी नींव रखी थी, और 42 टीचर्स की हेल्प से 224 बच्चों को 224 स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया गया था। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और आज 70 साल बाद उसी आईआईटी में 650 टीचर्स की हेल्प से लगभग 11,500 बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज के टाइम पे हमारे पास हमारे देश में लगभग 23 IITs हैं, बट IIT खड़गपुर का इतिहास ही कुछ अनोखा है। IIT खड़गपुर का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है हमेशा से। जो आप बिल्डिंग अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, वही बिल्डिंग है जहां पे IIT खड़गपुर की शुरुआत की गई थी 1951 में। दोस्तों, इसके दो इतिहास मिलते हैं जब हम इसकी स्टडी करते हैं पास्ट की। पहला इतिहास ये है कि इस बिल्डिंग को पहले हिजली डिटेंशन कैंप के नाम से जाना जाता था, और उसमें क्या होता था कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे, उन्हें बंधक बना के रखा जाता था। इसके अलावा इसका एक और इतिहास रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे यहाँ पे अमेरिका के लड़ाकू विमानों को भी रखा जाता था। दोस्तों, जो आईआईटी खड़गपुर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। देश को जब आज़ादी मिली, तो देश को तकनीकी, टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में आगे ले जाने की बात चली। जब देश को आगे ले जाने की बात हुई, तो बात शुरू हुई कि हमारे यहाँ एक समिति बनी जिसका नाम था सरकार समिति, और सरकार समिति की एक पूरी टीम थी जो अमेरिका गई और वहाँ के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट MIT को उन्होंने विजिट किया। जब सरकार समिति की टीम MIT अमेरिका को विजिट करके आई, तो उसने विस्तार रखा कि यदि हमें अपने देश को टेक्निकली आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाना है, तो हमारे देश में कम से कम 4 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जो टेक्निकली बच्चों को हेल्प को पढ़ाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। और इसकी शुरुआत हुई IIT खड़गपुर से 1951 में। और IIT खड़गपुर जब शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई थी, फिर उसमें कलकत्ता से इसे शिफ्ट करके 1951 में से खड़गपुर में ले आया गया। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक IITs का हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत योगदान रहा है। सैन्य क्षेत्र हो या एटॉमिक फील्ड हो, या फिर कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र हो, या रेलवेज हो, एग्रीकल्चर हो, या स्पेस साइंस हो, IITs ने हर जगह अपना योगदान दिया है। यहाँ तक कि जब हमारे देश में रेलवे का जो पहला स्लीपर क्लास कोच बना, तो उसकी डिज़ाइन में भी IITs का योगदान बखूबी रहा। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज की CEOs की बात करें, या फिर अपने देश के मुख्यमंत्रियों की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से पास आउट होके आते हैं। एंड IITs की एक खास बात और है कि हमारे देश में IITs का चौथा स्थान है बिलीनियर कंपनीज को खड़ा करने में, बिलीनियर स्टार्टअप्स को खड़ा करने में। इसके अलावा 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जो IITians की वजह से हमारी कंट्री में है, और करीब 20 लाख करोड़ की का हेल्प है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में IITians के द्वारा। IIT खड़गपुर की बात करते हैं, तो यहां का जो एलुमनी नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यहां पे कल्चरल इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, एंड जो एलुमनी नेटवर्क है उसकी वजह से क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की और फीस की। अभी जो आप स्क्रीन में स्लाइड्स देख रहे हैं, जिसमें आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ, एडमिशन कट ऑफ, काउंसलिंग कट ऑफ आपको दिख रही है, एंड फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिखेंगे।
इसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप भी IIT खड़गपुर का हिस्सा बने, अपना विकास और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दोस्तों यदि आपने JEE मेंस या JEE एडवांस का एग्जाम दिया है और यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.nomaischolarship को विजिट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक में आप लाइक करना ना भूलें। हम जितनी भी हमारी कंट्री में IIT सबसे रिलेटेड ऐसी हम वीडियोज़ आपको बनाकर आप तक भेजते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।